दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 अब लगभग खत्म हो चुका है। भारतीय टीम, न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, ये चारों टीमें सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है, जिसमें भारतीय टीम को अपना पहला सेमीफाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के साथ 15 तारीख को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जो कल होने वाला है। हम जानेंगे इस वीडियो में क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और क्या रहेगा भारतीय टीम की रणनीति, क्योंकि हम 2019 में न्यूजीलैंड से ही सेमीफाइनल हारकर बाहर हुए थे और पूरा देश उस दिन भारतीय टीम के साथ आंसुओं में डूबा था। इस बार भारतीय टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी 2019 में बिना कोई मैच हारे, सिर्फ एक इंग्लैंड के साथ हमें हार मिली थी और हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे, जिसके बाद हमें न्यूजीलैंड के साथ मात्र 240 रन डिफेंड करते हुए हार मिली थी और वह याद हमें अभी भी सता रहा है। लेकिन भारतीय टीम इस बार पूरी मजबूती के साथ आई है और भारतीय टीम हर डिपार्टमेंट में हर टीम से बेहतर नज़र आ रही है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो या बल्लेबाजी। भारतीय टीम चारों खाने सब टीमों को चित कर रही है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में आज क्या होगी भारतीय टीम की रणनीति और क्या होगी प्लेइंग 11 और कहां पर हम इस मैच को बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस करना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ पूरा वर्ल्ड कप खेल चुका है और बिल्कुल विजय रहा है। बस एक बदलाव भारतीय टीम ने जो किया था, वो भी हार्दिक पांड्या के चोटिल के कारण, वह था मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी का टीम में आना ऐसा हुआ कि मोहम्मद शमी बाकी टीमों के लिए कहर बनकर टूटे और मात्र 5 मैच खेलकर 17 विकेट अपने नाम किए हैं, जो इस वर्ल्ड कप के सबसे तहलके मचाने वाले गेंदबाज हैं। और मोहम्मद शमी का एवरेज मात्र 10 का है और इकोनॉमी मात्र 5 से नीचे का है। तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम के पास स्पिनरों के नाम पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के नाम से दो मशहूर स्पिनर हैं और दोनों इस टूर्नामेंट में बहुत ही कामयाब रहे हैं। वहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी सब टीमों से जुदा रही है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का ताबड़तोड़ अंदाज हो या गिल का क्लास या कोहली का किंग पारी, सब एक से बढ़कर एक है और हर टीमें भारतीय टीम की इस अंदाज को देखकर बिल्कुल भी चकित रह गई है। तो हम चाहेंगे कि भारतीय टीम इसी अंदाज में सेमीफाइनल खेले और इस बार वर्ल्ड कप हमें जिताकर अपने देश को एक नया तोहफा फिर से दे, क्योंकि हम 2011 में अपने ही देश में इसी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीतकर धोनी के कप्तानी में सचिन तेंदुलकर जैसे लीजेंड को विदाई दिए थे। और इस बार वर्ल्ड कप जीतकर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को विदाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।